नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। पंत नगर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कल बद्रीनाथ धाम जाएंगी राष्ट्रपति। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। श्रीनगर में दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। तो वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, उसमें भी शिरकत करेंगी। 9 नवंबर को पुलिस लाइन में सलामी लेंगी राष्ट्रपति। राज्य स्थापना दिवस परेड की यहां पर सलामी लेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दीक्षांत समारोह में यहां पर शामिल होंगी। कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता कर चुकी है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में तमाम अधिकारी और कर्मचारी राजधानी पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने अधिकारियों को यहां पर ब्रीफ किया है। राष्ट्रपति महोदय का विजिट जो है प्रस्तावित है देहरादून में और कुछ अन्य जनपदों में, उसी को लेकर के आज हमने ब्रीफिंग करी है। और इस ब्रीफिंग में तमाम अधिकारी जो जिनकी डिप्लॉयमेंट हुई है उनको ब्रीफ किया गया है। और जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए जो ब्लू बुक में सुरक्षा के संबंधी निर्देश हैं, उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए इनको बताया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंचेंगी, उन सबको लेकर यहाँ पर जो तैयारी है जोरों शोरों से चल रही है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो आज उत्तराखंड के दौरे पर है। वो 3 दिवसीय दौरे पर है। आज सुबह 11:30 बजे वो विशेष विमान से पंतनगर वो पहुंच चुके हैं और पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रतिभाग करेंगे। वही शाम 4 बजे जीटीसी हेलीपैड देहरादून में राष्ट्रपति आएंगे और रात्रि विश्राम वो देहरादून में ही राज्यपाल आवास में करेंगे। तो इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला दौरा है। तो राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू एक बार उत्तराखंड देहरादून दौरे पर आ चुकी थी, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह पहला दौरा है। और यहीं पर आने के बाद सबसे बड़ी बात जो है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 तारीख को है और 9 तारीख को यहाँ पर 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस लाइन में प्रतिभाग किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो उत्तराखंड दौरा या 3 दिवसीय दौरा है, फिर वो दूसरी बात है कि वो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद वो वापस देहरादून आने के बाद वो राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से 12 बजे के आसपास दिल्ली के लिए फिर से 9 तारीख को 10 तारीख को वो रवाना हो जाएंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का ये कार्यक्रम भरा पड़ा है, 3 दिवसीय कार्यक्रम। जी यशराज, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर मिल रही है? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। कल ही पुलिस लाइन में एक बैठक भी की गई, आयोजित की गई थी, जिसमें SSP इंटेलिजेंस, SSP CIC, SP देहरादून, SSP तमाम श्वेता चौबे जो पौड़ी की SSP हैं, अलग अलग जिले से सभी SSP को बुलाया गया था। करीब कम से कम 40 गाड़ियों को बुलाया गया है, अलग अलग जिलों से पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ स्क्वाड डॉग को बुलाया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर अग्निशमन विभाग भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो आ रहे हैं तो इनको लेकर के पूरे जिले से पंतनगर कहें वहां पर तैनात की पुलिस बल को तैनात करके स्क्वाड डॉग को तैनात कर दिया गया और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी विशेष दस्ते को तैयार किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को LIU वाले को सादी वर्दी में रह करके काम करने को कहा गया है कि वो भीड़ में भी या वो उसके जहां पर राष्ट्रपति महोदय आ रही है वहां के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक के रेंज को चारों ओर से घेर करके वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करें। जी यशराज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ धाम भी जाएंगी? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ दौरा है उनका। यहाँ से आज के बाद वो कल यानी कल वो बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे, विशेष विमान से वो बद्रीनाथ जाएंगी। बद्रीनाथ से पूजा अर्चना करेंगे और पूरे भगवान से भगवान बद्री विशाल से वो भारत के कुशल क्षेम की प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ देशवासियों के भी
के लिए भी मनोकामनाएं मांगेंगे कि देशवासी भी यहाँ पर संतुष्ट और खुश रहे। तो इस वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो दौरा है ये काफी अपने आप में इसे अच्छा दौरा कहा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति वो उत्तराखंड के दौरे पर आ रही है। जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ यहां पर मुलाकात की है। पुष्कर सिंह धामी फडणवीस के घर पहुंचे, यहां पर दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों के साथ यहां पर बैठक की है और उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर यहां पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। आज सुबह सीएम धामी भ्रमण के लिए निकले हैं। इस दौरान सीएम धामी मुंबई वासियों के साथ योग एवं सूर्य नमस्कार किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के वचन को साकार करने के लिए सभी को नियमित दिनचर्या में योग एवं प्रातःकाल भ्रमण को शामिल करने का संदेश दिया है। इस दौरान मुंबई वासियों ने देवभूमि उत्तराखंड भ्रमण के अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं एवं प्रदेशवासियों के सरल व्यवहार एवं सत्कार की प्रशंसा की। तो सीएम धामी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मुंबई में सुबह सड़क पर सीएम ने भ्रमण किया है, लोगों तक संदेश पहुंचाया है। सुबह भ्रमण के दौरान सूर्य नमस्कार आसन किया है। इस दौरान मुंबई के लोग सीएम धामी से मुलाकात करते नजर आए हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी पुष्कर सिंह धामी यहां पर मिलेंगे। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण पर भी यहां पर चर्चा होगी, मंथन होगा। उत्तराखंड डीजी सूचना बंशीधर से भी आज मुलाकात करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यहां पर आज मुंबई में दूसरा दौरा है, दूसरे दिन का दौरा है। सुबह भ्रमण के दौरान सूर्य नमस्कार और आसन करते नजर आए, तस्वीर भी आपके सामने है। मुख्यमंत्री यहां पर लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में धामी सरकार को मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए, जिसके बाद अभी तक हुए एमओयू का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। बता दें कि जिन बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया है उनमें इमेजिका, आत्मनंदन एकम, क्रिटिल डेटा सेंटर प्रमुख है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए हर सेक्टर में काम कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी केदारनाथ दौरे पर हैं, जिसको लेकर बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी के दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता सब जानती है, जनता देख रही है कि कैसे चुनाव आते हैं। जिन्हें उधारी नेता केदारनाथ धाम पहुंचकर लोगों की यहां पर सेवा में जुट गए हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो उन्हें देवी देवताओं की याद आती है। 2024 नजीक है, इसलिए आए हुए लोगों को चाय भी पिला रहे हैं और भंडारा भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर नारे नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं, मोदी मोदी लग रहे हैं। तो ये कितना भी प्रायश्चित करने कुछ होने वाला नहीं है। जनता इनको जान चुकी है कि ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर जनधारण करते हैं और चुनाव के बाद से भूल जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर, यहां पहले दिन उन्होंने केदारनाथ धाम में बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की। इसी बीच राहुल जब केदारनाथ धाम पहुंचे तो बीजेपी समर्थक कुछ स्थानीय लोगों ने उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगाए, जिसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर शुरू हो चुका है। एक और कांग्रेस जहां इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी के प्लानिंग बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ा इतराज जताया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लोकप्रियता का नतीजा है, पीएम को जनता प्यार करती है। देखिए, हमने पहले ही बोला, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अतिथि देवो भव के
जो संस्कार हैं हमारे राज्य के, उसके अनुसार हमने उनके युवराज राहुल गांधी जी का स्वागत किया है। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता देश में नहीं विदेशों में भी मोदी जी के लोकप्रियता बढ़ी है और उनके बहुत लोग अनुयायी हैं, और जिस प्रकार से केदारनाथ के पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान है उसको लेकर के विश्व पटल पर बाबा केदारनाथ का जो धाम है उसको महकाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, इसको लेकर के निश्चित रूप से चाहे स्थानीय लोग रहे होंगे, चाहे अन्य राज्यों से देश विदेश से वहां पर श्रद्धालु आते हैं, उनके द्वारा अगर इस प्रकार से कोई मोदी मोदी के नारे लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का की लोकप्रियता को दर्शाता है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी करने की उनकी आदत हो गई है और अपनी अलोकप्रियता को छुपाने के लिए इस तरह से वो आरोप लगाते हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस विधायक मयूख महर धरना दे रहे हैं। दरअसल विधायक मयूख महर नैनी सैनी हवाई पट्टी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने, बस हॉस्पिटल संचालित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन पर उनके आंदोलन को कुचलने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को फोन पर धमकाया जा रहा है लेकिन फिर भी वो किसी से डरने वाले नहीं। साथ ही कहा है कि मांग पूरी न होने तक उनका धरना जारी रहेगा। प्रशासन सोचता था कि हम एक या दो या चार पांच दिन में थक हार कर अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे, पर जब आंदोलन लगातार बड़े जोर खरोच के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है, आज भी हमें पूर्व सैनिकों का समर्थन मिला है जो एक अभूतपूर्व बात है, क्योंकि एक पूर्व सैनिकों का सहयोग मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब प्रशासन इसे खींच कर जो जिला प्रशासन है, जो यहाँ की व्यवस्था है, हम पर एक निरंकुश डंडा चलाना चाह रही है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 30 मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के इस्लामी शिक्षा लेने का मामला सामने आया है। बता दें कि अब तक 749 गैर मुस्लिम छात्र चिन्हित किए गए हैं जिनमें हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। ये मदरसे उद्यम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जनपदों में है। वह इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि सरकार ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए तो जो मदरसे इसका उल्लंघन करेंगे सरकार इसका संज्ञान लेगी। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीपीजी में आज सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। कॉलेज चुनाव को लेकर पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली, जिसमें छात्र और छात्राओं के प्रवेश के लिए दो अलग अलग गेट बनाए गए हैं और दोनों ही गेटों पर कॉलेज के दल छात्र छात्राओं की पूरी जांच करने के बाद ही प्रवेश दे रहे हैं। बता दें कि कॉलेज परिसर में मोबाइल या अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं। मतदान की बात की जाए तो एमबीपीजी कॉलेज में कुल 10,000 के लगभग छात्र हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन ने बताया है कि वोटिंग दोपहर 2 बजे से तक कराई जाएगी, उसके बाद किसी भी छात्र का कॉलेज परिसर में प्रवेश यहां पर प्रतिबंधित है। और यहां जो है आज वोटिंग की तारीख है, वोटिंग होनी है और सुबह 9 बजे से यहाँ वोटिंग प्रारंभ हो चुकी है। हल्द्वानी का एमबीपीजी महाविद्यालय है जहाँ लगभग छात्रों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 10,000 के आसपास यहाँ छात्र छात्राएं हैं, जिनमें की लगभग 60% जो है वो छात्राएं हैं। यहाँ सही सुना आपने कि छात्राओं की संख्या हल्द्वानी एमबीपीजी महाविद्यालय में छात्रों से कहीं ज्यादा है। और अगर आज की व्यवस्था की बात की जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, इसी तरह के दो प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जो कि छात्रों के लिए अलग और छात्राओं के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। छात्रों को किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी चेकिंग के बाद अंदर भेजा जा रहा है, आई कार्ड की जांच करने के बाद और छात्रों की जांच करने के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। और साथ ही किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, चाहे मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो, आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जांच की जा रही है। पूरा आई कार्ड देखने के बाद, प्रवेश पत्र देखने के बाद यहाँ अंदर भेजा जा रहा है छात्रों को। नियम यहाँ रखे गए हैं प्रवेश के लिए, किस तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है।
यहाँ देखिए बच्चों की आईडी चेक की जा रही है जो 2023-24 की है, उन्हीं को ही एंट्री दी जा रही है और बाकी सर हमारे नियम बताएंगे। सर जानना चाहेंगे किस तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है और क्या क्या चीजें प्रतिबंधित की गई हैं यहाँ? आई कार्ड देखा जा रहा है और फिर रिसीट देखी जा रही है और मोबाइल फोन और बैग अलाउड नहीं है और ना ही किसी प्रकार की चुनाव सामग्री अलाउड है। और अभी तक लगभग वोटिंग की अगर बात करें तो वोटिंग कितने परसेंट तक अभी हो? परसेंटेज तो आई वुड नॉट से दैट बट 5% के आसपास हुई है अभी जी। शुरू में थोड़ा स्लो पिकअप स्लो रहता है, अराउंड 11 पीक आना शुरू होगा तब काफी लंबी लाइन लगेगी, अभी तो शांति से थोड़ा सा चल रहा है, हल्का ही है वोटिंग फिलहाल। और वहीं दूसरी तरफ यही पीछे की तरफ जो है वो दूसरा गेट बनाया गया है जिसमें छात्राओं के प्रवेश के लिए बनाया गया है, वहां से किसी भी छात्र को आने की अनुमति नहीं है। और कॉलेज प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो पूरा कॉलेज प्रशासन यहां इस छात्र संघ चुनाव में लगा हुआ है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद हल्द्वानी। तो रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और इस वक्त की विधिम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। कोटद्वार से बड़ी जानकारी आ रही है, कॉर्बेट नेशनल पार्क ने हाई अलर्ट यहां पर घोषित किया है, सभी वन कर्मियों की यहां पर छुट्टियां की गई है, रद्द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं, वन कर्मियों को लगातार गश्त करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं, दिवाली के मौके पर शिकार की बढ़ जाती है आशंका, ये बड़ी जानकारी आपको कोटद्वार से दे रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। एमबीबीएस के छात्रों की हिंदी मीडियम में जल्द पढ़ाई शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को यहां पर शुरुआत करेंगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चारों मेडिकल कॉलेज के छात्रों को यहां पर किताबें मिलेंगी जिसका गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करते नजर आएंगे। एमबीबीएस के छात्रों की हिंदी मीडियम में जल्द यहां पर पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की जा रही। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।